नहीं, जैसा ग्राउंड था, जैसे आपने विकेट देखो, थोड़ा सा हेल्पफुल था। तो वो था कि मेरा बॉल स्विंग होता तो मुझे कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि उस पर डाल सकते। अच्छा, क्योंकि ऐसे विकेट पे अगर मैं जितना स्विंग से अगर मैं लेता, अगर मैं उस टाइम पे आउट भी करता तो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे लिए। क्योंकि एक प्लान था, जैसे बाकी मैचों में फ्लैट विकेट मिले या कहीं पे स्लो टर्नर विकेट थे तो उतना मैं हेल्पफुल नहीं था। तो यहाँ पे क्या था, ग्रीन विकेट था तो मुझे मिला मौका। नहीं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है क्योंकि मैं रेडी था हर मैच के लिए। और जैसा भी मैंने देखा था कि कॉम्बिनेशन हमारी टीम का था, जो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो अभी क्या था कि इस मैच में कॉम्बिनेशन बना। जैसे हमें मुजीब को खिलाया तो फिर एक इंडियन फिर बॉलर को खिलाना पड़ा, तो फिर मैं इसलिए खेला। और इतना भी ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि मैं रेडी था हर मैच के लिए, क्योंकि कोचेज़ ने मुझे इतना सपोर्ट करके रखा था। कैप्टन अश्विन खुद मेरे से आके बात कर रहे थे कि नहीं, तूने अच्छा किया हुआ है और अपना आगे के लिए भी। तो मैं रेडी था हर मैच के लिए, तो इतना प्रेशर नहीं था मेरे लिए। स्टार्टिंग में क्या प्लान था दोनों ओपनर्स के लिए, वार्नर एंड बेयरस्टॉप के लिए, कि आपको क्या मतलब फीडबैक दिया था बॉलिंग में? नहीं, जैसा कि हम लोगों ने तो ये उनकी जितने भी होती है कि उनके वीक पॉइंट पकड़ने, जैसे सारी टीमें करती हैं कि दूसरी टीमों के क्या होता है कि जो बैट्समैन होता है उसके वीक पॉइंट पकड़ने होते हैं, वैसे ही मैं उनके भी कर रहा था। कि किसी जैसे उनके प्लेयर का था, मैं डेविड वार्नर को मैंने ज़्यादा बाहर बॉल नहीं खिलाया, जो उसके स्कोरिंग शॉट हैं उनको उनको वही चीज़ था कि उनको ब्लॉक किया हुआ था उनके रन को। बस ये था मेरा प्लान।